कैसे हैं दोस्तों आप? कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। इतनी सारी वीडियो देख के थकने गए क्या, पकने गए क्या? स्टॉक सिलेक्शन करने में इतनी प्रॉब्लम आपको आ रही है। आज ये स्टॉक ढूंढ लिया, कल वो स्टॉक ढूंढ लिया, फिर वो स्टॉक भी ख़राब हो गया, ये स्टॉक भी ख़राब हो गया, कैसे करोगे यार? एक छोटी सी बात था यार, बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए हो क्या? बार 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 कोर्स चेंज करते आए हो, बार बार सिलेबस चेंज करते आए हो, बार बार बुक्स चेंज करते आए हो, कम से कम किसी एक चीज़ के ऊपर तो रुकना पड़ेगा ना, लकीर के फकीर तो होना पड़ेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, आप सोचते हो कि मैं इतनी सारी वीडियो देख लूँ, इतने सारे यूट्यूबर को स्टडी कर लूँ, यहाँ कोर्स ले लूँ, वहाँ कोर्स ले लूँ और मेरा सारा भला हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के गोल्डन रूल्स। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, गोल्डन रूल्स, नो गोल्डन रूल बनाए हैं मैंने, ये अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं यार। आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है, ये नो रूल है, अगर ये फॉलो कर लिया ना तो मुझे लगता है कि शायद आपका स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका सही हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, स्टॉक सिलेक्शन करने के गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के जो प्रोसेस हैं, जो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनकी एक अलग से वीडियो आने वाली है। बट कम से कम पहले रूल्स तो फॉलो करो यार, छोटा सा वीडियो है और टाइम नहीं है ना, पेशेंस नहीं है, चले जाओ भाई। पेशेंस है, टाइम है और चाहते हो कि स्टॉक सिलेक्शन आसान हो जाए तो वीडियो को अंत तक देखना यार। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन शायद ही कहीं मिले। देखो भाई, सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए, आपको वो स्टॉक चूज करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। लिक्विडिटी अगर स्टॉक में नहीं है ना तो भाई बाहर आ जाओ, अगर बाहर नहीं आओगे ना तो फंस जाओगे, बहुत बुरे तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा है, ऑपरेटर चाल पकड़ लेगा, आपने माल लिया नहीं और ब्रोकर और ऑपरेटर मिलके आपकी वाट लगा देंगे। वो स्टॉक आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे जिसमें ऑपरेटर की चाल है, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो सबसे नंबर वन रूल हुआ कि आपको लिक्विड स्टॉक ही चूज़ करने हैं, नंबर वन रूल। भाई दूसरा सबसे बड़ा रूल जिसने लोगों का दिमाग खराब करके रखा है, वो है अवॉइड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक। प्लीज़ सुन लो, चिल्ला चिल्ला के पहले भी बहुत बार बोला है, फिर समझा रहा हूँ कि भाई न्यूज़ जिसमें है ना, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो SCNBC पे चल रहा हो या जी टीवी पे चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो भाई, किसी भी सोशल मीडिया पे चल रहा हो, इंटरनेट पे न्यूज़ आ रखी हो, न्यूज़ वाले स्टॉक्स को अवॉइड कर दो। क्योंकि न्यूज़ वाला स्टॉक क्या होता है, पब्लिक को चिपकाने के लिए आता है। पब्लिक में न्यूज़ लाई ही इसलिए जाती है कि पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज हो जाए, पब्लिक सोचे भाई बहुत कमाल हो गया, कमाल हो गया यार, ये शेयर तो पकड़ा, अगर आज नहीं पकड़ा मैंने तो भाई मेरे हाथ से छूट जाएगा। बस यही चाहिए ऑपरेटर को। तो प्लीज़ आज के बाद न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स को आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, गोल्डन रूल नंबर टू। भाई तीसरा रूल, हम लालची हैं, सब लालची, मैं भी लालची हूँ, आप भी लालची हो, सबके अंदर एक लालच है। हम क्या सोचते हैं भाई, थोड़ा सा पैसा है, ज़्यादा शेयर आ जाएँ, 50 पैसे की मूवमेंट आएगी ना तो भाई बुक कर लूँगा। उसके लिए क्या करते हो, घटिया शेयर चूज़ करते हो, स्मॉल कैप में चले जाते हो, पैनी कैप में चले जाते हो, समझ रहे हो? मिड कैप में जाना ठीक है, बट स्मॉल कैप पैनी कैप में जाके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना तो मूर्खता है। आप सोचिए बताओ यार, जिस स्टॉक का भाव 50 पैसे है, 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया रह गया, किसी वजह से रहा होगा ना भाई, कंपनी बर्बाद हुई होगी, कंपनी ने कुछ घटिया काम किए होंगे, कंपनी ने अच्छा रूल रेगुलेशंस नहीं फॉलो किया होगा, कंपनी ने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया होगा, तभी तो आज वो पैनी कैप है। लार्ज कैप, लार्ज कैप क्यों है, धंधा करता है भाई लार्ज कैप। मुकेश अंबानी को देखा है, टाटा को देखा है, बिरला को देखा है, अडानी को देखा है, ये लार्ज कैप है क्यों है भाई? मिड कैप वो होते हैं जो लार्ज कैप बनने की क्षमता रखते हैं, दे हैव कैपेसिटी टू बिकम लार्ज कैप समडे। तो अगर मिड कैप में पैसा लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपको स्मॉल कैप में पैसा बर्बाद करना है, सोचो 54-58 करना है, तो भाई मेरे हिसाब से ना 54-58 रेजगारी होती है, रेजगारी से कोई करोड़पति नहीं बनता। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अवॉइड स्मॉल कैप एंड पैनी कैप, रूल नंबर 3। एक और चीज़ भाई, कुछ लोग ना बड़े हीरो टाइप आदमी होते हैं भाई, वो क्या सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा शेयर पकड़ लूँ जो एक ही दिन में मुझे करोड़पति बना दे, मतलब महंगे से महंगा शेयर पकड़ लूँ, क्योंकि 500-600 रुपये की चाल आ जाएगी, मतलब आयशर मोटर में चले जाएंगे, मारुति ऐसे शेयर में चले जाएंगे। ठीक है, शेयर अच्छे हैं, फंडामेंटली शेयर अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, भाई इन्वेस्टमेंट करो। ये देखो ये शेयर इतने महंगे क्यों हैं, कभी कभी शेयर बहुत महंगा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा हो गया, वो कभी कभी ओवर प्राइस होता है, ओवर वैल्यूड होता है। अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक में फंस गए तो भाई भगवान भी नहीं बचाएगा। सोचो मारुति और आयशर मोटर जैसे शेयर दिन में 500-600 रुपये की चाल दे देते हैं, भाई पकड़ में आ गई तो मज़ा आ गया, अगर फंस गए तो क्या करोगे, 600-600 रुपये 4 दिन टूटेगा ना, 2400 रुपये साफ हो जाएंगे, थोड़ी सी कैपिटल लेके आए हो उसमें भी टेंशन हो जाएगी, ना निकलने बनेगा ना उगलने बनेगा, आप समझो ऐसी गले की फांस हो जाएगी वो स्टॉक कि आप कभी भी उस स्टॉक से बाहर नहीं आ पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये तक के, मतलब बजाज फाइनेंस तक के शेयर में अगर आपको काम करना है करो, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, वो शेयर बहुत सही रहते हैं और उसी में काम करने से पैसा बन जाता है। नेक्स्ट रूल भाई, गोल्डन रूल, मेरा गोल्डन रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, उससे बाहर मैं नहीं जाता। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो निफ्टी 50 से बाहर जाओ ही मत, कसम खा लो यार। क्वालिटी में रहोगे ना
तो कभी जिंदगी में घाटा नहीं हुआ। निफ्टी 50 के स्टॉक्स कौन से हैं दुनिया को पता है, अगर आपको नहीं पता तो समझ लो एक लाइन में बता देता हूँ। निफ्टी 50 के वो 50 शेयर हैं, हिंदी में बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में, निफ्टी 50 के वो 50 शेयर हैं जो देश के सारा कारोबार करती हैं। अगर आप ध्यान से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करोगे इन 50 शेयर्स का, तो ये वो कंपनीज हैं जो देश के सारे बिजनेस करती हैं, आप समझ लो। बोले यहाँ रोटी कपड़ा मकान सब आ जाता है इसके अंदर में, टेक्नोलॉजी हो, एविएशन हो, फलाना हो, ढिकाना हो, सब आ जाता है भाई सब। तो निफ्टी 50 से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको यार। नेक्स्ट गोल्डन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, एक रात पहले मेहनत क्या करो, अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट तो क्या किसी धंधे में नहीं मिलने वाली है, पहले बोलता हूँ गोल्डन रूल है लाइफ का, ये गोल्डन रूल लाइफ के हमारे स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल होते हैं। एक रात पहले, द रूल इज एक रात पहले मेक योर लिस्ट, अपने स्टॉक सिलेक्शन एक रात पहले करो भैया। घंटा दो घंटा तीन घंटा ऑफिस में काम करते हो, पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट करते हो, तो पहली बात तो पार्ट टाइम करना ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ। बट अगर फिर भी करते हो, बहुत मेहनती आदमी हो, बहुत हार्डवर्किंग हो यार, टाइम है निकाल लेते हो, तो जाके रात को ये देखा करो भैया कि कौन कौन से स्टॉक्स आज चले, कौन से नहीं चले, कौन से में चलने का पोटेंशियल है। अपनी एक वॉच लिस्ट बनाओ, मेक योर वॉच लिस्ट। वो वॉच लिस्ट आपकी एक रात पहले बन जानी चाहिए, चाहे रात के एक बज जाए चाहे दो बज जाए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान नहीं है, तो आपको एक दिन पहले अपनी वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्टॉक सिलेक्शन करो, अपना ये देखो भाई कौन से सेक्टर आपको सूट करता है, कौन से सेक्टर की चाल पकड़ लेते हो, कौन सा सेक्टर लाइमलाइट में है, किस सेक्टर में आपको ट्रेड करना पसंद आता है, किस सेक्टर के शेयर्स आपके समझ में आते हैं। आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हर किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रेफरेंस कुछ हो सकती है, आपकी प्रेफरेंस कुछ हो सकती है, तो आपकी जो प्रेफरेंस है अपनी प्रेफरेंस बनाओ पहले। जब तक अपनी प्रेफरेंस पेन पेपर पे नहीं बनाओगे, आपकी स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पाएगी भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप जितना मर्जी धक्के खा लो, जितने मर्जी वीडियो देख लो, दूसरे का क्या है यार, मेरा क्या है। 18 साल से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर में हूँ, स्टॉक मार्केट को कमोडिटी मार्केट को देखते हुए मुझे इतने साल हो गए। इतने साल में अपने जूते घिसा के, अपना दिमाग घिसा के, पैसा खर्च करके, बाजार को लॉस दे के, ये समझ में आया कि भैया अपने रूल अपने होने चाहिए, दूसरे के रूल को फॉलो करोगे तो धोखा ही होगा। तो अपने रूल बनाओ और अपनी स्टॉक लिस्ट बनाओ एक रात पहले। स्टॉक लिस्ट कैसे बनानी है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूँ आपके लिए मैं। नेक्स्ट गोल्डन रूल भाई, जो मेरा गोल्डन रूल है, चलो मैं आपको फिर भी अपना गोल्डन रूल बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आए, हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद आ जाए। तो भाई टॉप गेनर टॉप लूजर में से स्टॉक निकाल लो, सबसे सिंपल। आप समझो टॉप गेनर कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, सबसे ज़्यादा चालाई है। टॉप लूजर कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा चालाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अरे भाई जो गिरता है उसी में एक पोटेंशियल होता है बढ़ने का, वही शेयर ऊपर आता है जो गिरता है, जो बाउंस बैक करता है, और जो शेयर ऊपर जाता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसमें नीचे जाने के चांसेस बने रहते हैं। जो स्टॉक ऊपर गया है वो ब्रेकआउट देके और फर्दर ऊपर जा सकता है, तो आपको वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो स्टॉक टूटा है, जो लूजर रहा है, हो सकता है वो एक ऐसी जगह कंसोलिडेशन करे दिन में कि वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का लेवल हो। आपको अपने चार्ट पे जाओ, चार्ट से खेलो, ट्रेंड लाइन देखो, ये बनाओ वो बनाओ, देखो भाई जो भी इंडिकेटर पसंद आता है ना करो, इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियोज़ बाद में आ जाएंगी। पर अगर आपको जो भी इंडिकेटर पसंद आता है, सबसे सिंपल तो ट्रेंड लाइन है, उससे बड़ा कुछ नहीं भाई, RSI से बड़ा कुछ नहीं। RSI देख लो, ट्रेंड लाइन देख लो, जाके अपने स्टॉक पे लगाओ, देखो कि वो स्टॉक जो गिरा है क्या वो ऐसे लेवल पे आके रुका है कि क्या वहाँ से बाउंस बैक की कोई संभावना है। जी हाँ, आप विश्वास कीजिएगा, जितने भी टॉप 10 गेनर या लूजर होते हैं मैं अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो भाई। मैं आपको टॉप गेनर टॉप लूजर टाइम टाइम पे आपको भेजता रहता हूँ, तो वो चेंज होते रहते हैं पूरे दिन में। आपको किस टाइम काम करना है, किस टाइम आपके पास टाइम है, वो देखो भाई उस टाइम पर क्या चल रहा है। हो सकता है आपके हाथ ऐसा हीरा लग जाए जो किसी के हाथ ना लगा हो, हो सकता है कि आपने जो लूजर पकड़ा, मान लीजिए टॉप लूजर में आप काम करते हो, मैं टॉप लूजर में बहुत काम करता हूँ, टॉप लूजर स्टॉक को अगर आपने पकड़ लिया तो पूरी पॉसिबिलिटी है आपको दिन में एक ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो बाउंस बैक करने वाला होगा, या जो जाके ऐसे सपोर्ट को हिट करेगा कि वहां से बाइंग आनी ही आनी है। मतलब 10% स्टॉक गिरा या 6% स्टॉक गिरा तो भाई 2% 3% वापस रिट्रेस करता ही है, समझो इस बात को। किसी भी स्टॉक की अगर नेचर देखोगे, बिहेव देखोगे, तो जो स्टॉक मान लो दिन में 5% 6% बढ़ गया, भाई 2% 3% वापस गिरता है। जो शॉर्ट सेलिंग पसंद करते हैं लोग, वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड्स ले सकते हैं। जिन लोगों को लॉन्ग ही पसंद है, जो खाली बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं, वो गिरते हैं स्टॉक के अंदर में बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। बट बाय कहाँ करना है ये बहुत क्लियर होना चाहिए भाई। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल मार्क करने आने चाहिए। आपको अपना कैलकुलेटर, मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ यार, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो करना है तो। इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, एक टूल बनाया है, वो टूल आज मुझे मेरा आधे से ज़्यादा काम करके दे देता है। आधी मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद में अपने कैलकुलेटर से पूछ रहा था भाई अब इसके लेवल बता दे।
लेवल देता है मेरे को, देखता हूँ चार्ट पे लेवल मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर लेवल्स की वीडियो को देखनी है तो कल रात का लाइव सेशन देखो, उसमें कम से कम दिन में उसमें कम से कम चार स्टॉक्स को हमने रात को एनालिसिस किया है कैलकुलेटर के साथ में और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हुए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लेवल चलते हैं। आपको चाहिए तो फ्रंट पेज का मेरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर जाकर आप क्लिक करके अपनी सर्विसेज को अवेल भी कर सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री बिल्कुल नहीं है भाई, पहले दो साल बड़ा फ्री में दे लिया लोगों को, फ्री में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फ्री में तो लोग भाई भीगी मांगते हैं, ठीक है ना। और फ्री में देवी की कभी कोई जिंदगी में कोई इज्जत नहीं होती, चाहे फ्री में आपको 1 लाख का आईफोन दे दूंगा ना, वो भी जाके अपने बच्चों को खेलने को दे दोगे आप, तो इसलिए फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। छोटी सी सीरियसनेस की फीस है, लेना लो नहीं लेना मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको। मैं नेक्स्ट रूल रहेगा कि आपको सिर्फ वोलेटाइल स्टॉक्स को ही चूज करना है। वोलेटाइल स्टॉक्स को कैसे चूज करना है, इसके ऊपर एक वीडियो है मेरी, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में उस वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। मतलब ये सिंपल है, एनएससी की वेबसाइट के ऊपर में इतना डेटा होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वहां पे डेली वोलेटिलिटी की एक फाइल होती है, उसको कैसे यूज करना है, उस पर क्या फॉर्मूले लगाने हैं, भाई फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं फॉर्मूले मत लगाओ, ये मत लगाओ, मतलब क्यों नहीं लगाओ यार, थोड़ी मेहनत अगर एक रात पहले कर लोगे, और एक ही बार तो करनी है, एक बार लिस्ट बना ली, आपको ये पता है कौन से स्टॉक्स मोस्ट वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल स्टॉक से बाहर ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है नॉन वोलेटाइल में करो, ट्रेडिंग करनी है वोलेटाइल में करो, क्योंकि वोलेटाइल ही आपको ट्रेडिंग करके पैसा देगा और नॉन वोलेटाइल से आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले ही डिसाइड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो भी स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिया है उसको अपने चार्ट पे लेके जाओ, चार्ट पे देखो भाई आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स डालने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था भाई बार बार स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है बाजार में ना, स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, इंडिकेटर चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं चेंज होते यार, दिमाग खराब करना बंद करो अपना और दूसरों का। पहली बात बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से हार्ड कोर एक्सपीरियंस से बताता हूँ, और अच्छे ट्रेडर्स कभी भी जिंदगी में अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करते। जो लोग ये कह के स्ट्रैटेजीज बेच रहे हैं कि भैया ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजीज बार बार बदल देते हैं, वो झूठ है, एकदम सरासर झूठ है। कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती है, मैक्सिमम 90% स्ट्रैटेजीज बिल्कुल सेम रहती है, 10% का ट्विस्ट रहता है, छोटा मोटा वो ट्विस्ट करते रहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों इस भ्रम से बाहर आइए, प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दिस स्टेटमेंट कि स्ट्रैटेजी बार बार चेंज होती रहती है, आपके स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं। अरे भाई ढंग की जगह एंट्री करोगे ना तो स्टॉप लॉस कभी जिंदगी में जाएगा नहीं, गारंटी है मेरी। तो ये भाई बहुत सारे रूल्स से आपके लिए बना दिए हैं मेरे हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, रूल्स बना लिए, वॉच लिस्ट बना ली, स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर भाई टिक जाओ, फिर वीडियोस देखनी बंद करो, अपना काम करो, और कम से कम महीने भर की पेपर ट्रेडिंग कर लो या रियल ट्रेडिंग कर लो, छोटे मोटे अमाउंट से, 1 शेयर से, 10 शेयर से, 5 शेयर से, जिससे भी आपको काम करना हो कर लो भाई, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर ट्रेडिंग नहीं की या प्रैक्टिस ट्रेडिंग कहता हूँ इसको मैं, अगर प्रैक्टिस ट्रेडिंग नहीं की तो भाई कोई आपको नहीं बचा सकता, कोई आपको 10 लाख रुपये दे के भी आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं सिखा सकता। स्टॉक सिलेक्शन इज दी मदर ऑफ ऑल थिंग्स, स्टॉक सिलेक्शन हो गया तभी तो धंधा मारोगे यार, तभी तो पैसा करने वाले, तभी तो ट्रेड मारने वाले हो। स्टॉक सिलेक्शन नहीं होंगे तो ट्रेडिंग किस पे करोगे, इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे? तो प्लीज स्टॉक सिलेक्शन इज दी इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर ध्यान लगाओ, वॉच लिस्ट बनाओ और स्टॉक सिलेक्शन हो जाए। टारगेट्स निकालने में दिक्कत आ रही है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का यूज़ करो, जो बहुत जल्दी पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में लेके आने वाला हूँ, अभी वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी आपके लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो आपको ट्रेंड के साथ रहना बताएगा और एग्जैक्ट लेवल देगा इंट्राडे के स्विंग के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसे कैसे कौन कौन स्टॉक्स पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं या किस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उनको पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।